हे जॉनी, जॉनी प्लीज रुको। कॉन्फ्रेंस मीटिंग का बहाना करके मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुमसे मिलने के लिए मेरे पास यही रास्ता था। 2-3 दिन से तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए, क्या हुआ है तुम्हें? आज पूरी नाइट तुम्हें मेरे साथ रुकना होगा। रुक जाओ ना प्लीज। उसी का फोन है। हेलो। सॉरी, तुम्हें काफी देर तक जंगल में इंतजार करना पड़ा। जंगल में दौड़ दौड़ कर थक गए होगे। क्या बोल रहा है वो? अच्छा सुन, अब मैं जिस जगह के बारे में तुझे बताने वाला हूँ, अगर तू उस जगह पर फटाफट पहुंच गया तो अपने आखिरी फ्रेंड को बचाने का तुझे पूरा मौका मिलेगा। ए, एक नहीं है, 2 लोग अब भी जिंदा है। उसमें से एक को मैंने मार दिया है। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ, तुम फॉरेस्ट में वहाँ अपनी बीवी के साथ खुशी से एंजॉय कर रहे हो और मैं यहाँ बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास के लिए उसे मार दिया। ए, तुझे तो मैं कुछ नहीं कर सकते हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। वक्त कम है, अब तुम्हें तुम्हारा बचा हुआ एक फ्रेंड चाहिए या हाँ नहीं? हाँ चाहिए। कहाँ है तू? जंगल में। फॉरेस्ट में कार कैसे आई? बेवकूफ समझा है? भूल गया क्या कि तेरे हाथों से तेरे फ्रेंड्स को मरवाया है मैंने? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी जंगल से बाहर आया हूँ। क्यों क्यों आए हो? पुलिस को फोन करने के लिए? अगर पुलिस के पास जाने की गलती की तो तुम्हारा आखिरी फ्रेंड भी तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करो, मैं आ रहा हूँ। अभी मुझे कहाँ आना है? सही तरीके से आएगा ना? प्रॉमिस, नहीं जाऊंगा, पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। तुम जहाँ बोलो वहां आ जाऊंगा। वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट हाफ आवर में होटल वुडलैंड्स में आना है और रूम नंबर है? रूम नंबर 106। नहीं नहीं, 107। नहीं, 108 होगा। हे, मजाक बंद करो। हे, गुस्सा क्यों हो रहा है? होटल का नाम बताया ना, अब रूम नंबर खुद ही आकर ढूंढ ले। हेलो हेलो, क्या बोल रहा था वो महेश? होटल वुडलैंड्स में आने को बोल रहा था। लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। गुड जॉब। मुझे खूनी समझा है क्या? तुम्हें मारने के लिए तेरा फ्रेंड आ रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा फ्रेंड मुझे क्यों मारेगा? मारेगा, जरूर मारेगा। गेम ऑफ डेथ, ये तेरे लिए सजा है। सजा? ऐसे क्या गलती की है हमने? गलती, बहुत बड़ी गलती की है। आज सुबह तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ने मिलकर रजिस्टर ऑफिस में एक बहुत बड़ी गलती की है। हे, हमने शादी कराई थी, ये तो अच्छा काम है, उसे तुम गलती कहते हो? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, समझे? वही वही गलती है। उन दोनों का लव करना गलती है और शादी करना उससे भी बड़ी गलती। वो मेरे दिल के करीब थी, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर चली गई है। मैंने सोचा था कि अब जिंदगी भर मैं उसे नहीं देखूंगा, लेकिन वो मेरे सामने आ गई और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये तो क्या कह रहे हो? तुम किसके बारे में बोल रहे हो? मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? छोड़ो, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। जब से मैंने उसको देखा है, तब से मेरे अंदर कुछ अजीब सा बदलाव आ गया है। मैं सोचने लगा था कि अब फिर से मेरी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, मेरी जिंदगी में भी खुशियां होंगी, मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन तुम सबने मिलकर वो गंदा काम कर दिया। तुम पागल हो गए हो। तुम
हमने सिर्फ उसे 8 दिन पहले देखा है और वो दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शादी की। तुम्हारी ही सोच गंदी है। नहीं, वो शादी ही गलत है। तुम लोगों ने गलती से उसकी शादी करवा दी और मुझे गलत बोल रही हो, इसलिए उसके हाथों से ही तुम लोगों को मरवाने का प्लान किया है और प्लान के मुताबिक सबको मार रहा हूँ। क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैंने तो बस एक को ही मारा, बाकी 2 लोगों को तेरे फ्रेंड ने मारा है। तुम लोगों ने सबसे छिपकर उसकी शादी करवाई और अब मैं उसके हाथ से तुम्हें मरवाऊंगा। अभी वो तुम्हें मारने के लिए आ ही रहा है और मैंने तो बस इसकी प्लानिंग की है। मरने के लिए तैयार हो ना? एक शादीशुदा लड़की के साथ रहने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? तेरी इतनी जबान चल रही है कि मन कर रहा तुझे अपने हाथों से ही मार दूं, लेकिन तू तेरे दोस्त के हाथ से ही मरेगी और ये कैसे होगा तू देख। डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा फ्रेंड ही मारेगा। प्लीज ऐसा मत करो। ये डोर खुलने से क्या होगा तुझे मालूम है ना? नहीं प्लीज मुझे मत मारो, ऐसा मत करो। तेरे फ्रेंड्स को तेरा रूम नंबर पता नहीं है और तुम चिल्लाकर उन्हें बता भी नहीं सकती। कोई बचाओ। Yes, room number 1, room number 2, room number 3, room number 4, room number 5, next room tomorrow, bye. देखो बस तोड़ दो माँ, मेरी माँ,
माँ। यही है जॉनी। फोन पर धमकी तूने दी थी ना, मेरे फ्रेंड्स को तूने मारा है ना, हमें टॉर्चर क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? बोलना कौन है तू, बोलना। हमने हमने तुझे क्या तकलीफ दी है बता? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को खो चुका हूँ, और वो भी इन्हीं हाथों से तूने मेरे सारे फ्रेंड्स को मरवाया है। बताना उनके बारे में क्या जानता है तू? तुम्हें एक माँ का प्यार मालूम है? एक माँ को कभी मिस किया है क्या? मैं तब 8 साल का था, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी, वो मेरे साथ प्यार से रहती थी, वो मेरे लिए ही जी रही थी।